जय श्री राम आप सभी लोगों को। आज हमारे समक्ष श्री जयंतीलाल गाड़ा जी उपस्थित हैं यहाँ पर, और ये कहने की तो आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि दुनिया के अपने भारत के सबसे बड़े फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक हैं श्री जयंतीलाल गाड़ा जी। और हाल ही में उनकी एक बहुत ही बड़ी सुपरहिट और बहुत ही खूबसूरत फिल्म शिवाय हम सभी लोगों ने देखी। तो बेफिक्र बेसारे जो फिल्म है वो मैंने स्वयं जयंतीलाल गाड़ा जी को दिखाई भी थी, और उसको देखकर जो भी उनके मन में एक्सप्रेशंस हैं जो आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दो शब्द हमारे सामने प्रस्तुत करें। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो ऋत्विज वैद्य ने जो मुझे फिल्म दिखाई, इन्होंने सबसे पहले मुझे अट्रैक्ट किया, क्योंकि मैं ये फिल्म देख नहीं रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर हम फिल्में देखते हैं कि क्या सेटअप है पहले पूछते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले बोला कि ये ज़ीरो बजट की फिल्म है, जो मुझे लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन था कि अच्छा ज़ीरो बजट में फिल्म कैसे बनती है, चलो देखते तो सही है। तो उसकी वजह से मैंने ये फिल्म देखी, टाइटल बेफिक्र बेसहारे, और मुझे लगता है कि बहुत मेहनत करी होगी इन्होंने और बगैर पैसे बनाई, ये सबसे बड़ी बात है। फिल्म अच्छी बुरी बनती है, फ्राइडे को लगती है, चलती है, कोई नहीं चलती है, बट मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात इनकी जो है कि फिल्म बनाई, दो घंटे की फिल्म बनाई, और इन्होंने मुझे भी दो घंटे पकड़ के फिल्म दिखाई है, बहुत मुझे अच्छी लगी फिल्म। ज़ीरो बजट इसका सबसे बड़ा की पॉइंट है कि इन्होंने ज़ीरो बजट बनाई। मैंने एक बार पहले देखी थी किसी की फिल्म, बट वो ज़ीरो बजट की नहीं थी, मालेगांव से आते थे लोग और उन्होंने कभी लो बजट में फिल्में बनाई, तो उससे भी ऊपर है। तो मुझे लगता है कि जब ये लोग फिल्म देखेंगे डिजिटल पे या टेलीविज़न पे, तो मुझे लगता है इसका सबसे बढ़िया मार्केटिंग पॉइंट होगा, और ये बहुत सारे इंडिया के लोगों को यंगस्टर को कैटर करेगी कि कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, स्टार ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये सबसे बड़ी इस फिल्म की खासियत होगी। थैंक यू सो मच।